नमस्कार, मैं केशव यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194IA की, जिसके अनुसार अगर आप 50 लाख या उससे ऊपर की कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको 1% TDS काट कर जमा कराना होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप कोई 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपको सेलर को 60 लाख रुपए पेमेंट करनी है, तो आप 60 लाख रुपए की पेमेंट ना करके 59,40,000 की ही पेमेंट करेंगे और 60,000 रुपये TDS के रूप में जमा करा देंगे। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वह NRI है तो यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। उस कंडीशन में सेक्शन 195 एप्लीकेबल होता है और TDS 1% ना होकर कैपिटल गेन के हिसाब से लगता है और वह 10 नंबर लेके जमा कराया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194IA की, जिसके अनुसार केवल 1% TDS काटना होता है और जमा कराना होता है। काटे गए TDS को अगले महीने की 30 तारीख से पहले पहले जमा कराना होता है। यदि आप TDS नहीं काटते तो TDS अमाउंट पर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है, और यदि आप TDS काट लेते हैं और उसे जमा नहीं कराते तो TDS अमाउंट पर 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है, तथा साथ ही साथ इस पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यदि आप पूरी पेमेंट लमसम में करते हैं तो आपको TDS भी लमसम में ही जमा कराना है, और यदि आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो हर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से TDS काटना है और उसे उसी अनुसार जमा करवाना है। काटे गए TDS को फॉर्म 26Q भी फिल करके जमा कराया जाता है। आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वह अगर सिंगल ओनर के नाम पर है और आप भी अपने अकेले के नाम पर वह प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और पूरा ही पेमेंट लमसम में कर रहे हैं, तो एक फॉर्म 26Q भी फिल किया जाएगा। और यदि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वह जॉइंट ओनर के नाम पर है तो ऐसी कंडीशन में 2 फॉर्म 26Q भी फिल करने होंगे, और यदि वह प्रॉपर्टी जॉइंट ओनर के नाम पर है और आप भी उसे जॉइंट परचेज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में 4 फॉर्म 26Q भी फिल करने होंगे और TDS भी 4 पार्ट में जमा होगा। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म 26Q भी हमने कैसे फिल करना है। इसके लिए हम गूगल पर जाएंगे और फॉर्म 26Q भी टाइप करेंगे। फॉर्म 26Q भी टाइप करते ही सर्च रिजल्ट में सबसे पहले यह टिन की वेबसाइट आ जाएगी। हम इसे ओपन करेंगे और यह ओपन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी पर जाएंगे। इसके बाद TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26Q पर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद कोड 21 इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यह TDS की डेट से अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेलर का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपने रेसिडेंट ही सेलेक्ट करना है, नॉन रेसिडेंट के लिए यह फॉर्म नहीं है। इसके बाद बायर का पैन नंबर डालेंगे। इसके बाद पैन नंबर दोबारा एंटर करेंगे। इसके बाद सेलर का पैन नंबर डालेंगे। अगर यह प्रॉपर्टी आपको DDA द्वारा अलॉट हुई है या किसी बिल्डर से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस बिल्डर का या DDA का यहाँ पे पैन नंबर आपने डालना है, जो कि आपको डिमांड लेटर पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद सेलर का पैन नंबर दोबारा एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद ट्रांसफ़री अर्थात बायर का एड्रेस एंटर करेंगे। इसके बाद बायर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे, और इसके बाद यदि एक से अधिक बायर हैं तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलर का कंप्लीट एड्रेस इसमें डालेंगे। सेलर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना इसमें मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यदि एक से अधिक सेलर हैं तो वह सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है वह अपार्टमेंट है या लैंड है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालेंगे।
इसके बाद जिस डेट को आपका एग्रीमेंट हुआ है वह डेट यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू यहाँ पे आप लिखेंगे, जितने की आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। मान लीजिए आपने 60 की परचेज की है तो यहाँ पे 60 लाख रुपए डालेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट डालेंगे कि ये लमसम है या इंस्टॉलमेंट में है। इसके बाद पेमेंट करने की डेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टैक्स डिडक्शन की डेट सिलेक्ट करेंगे जो कि पेमेंट की डेट ही होगी। इस कॉलम में आपने सेलर को जो पेमेंट की है वह अमाउंट यहाँ पर आपने फीड करना है। यदि आप दो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आधी पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो जितनी आपने पेमेंट की है वह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर की जाने वाली पेमेंट को दोबारा से टाइप करेंगे। इसके बाद बेसिक टैक्स फीड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद अगर आपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने चेक से पेमेंट करनी है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि आपने नेट बैंकिंग से करनी है तो आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। यदि डेबिट कार्ड से करनी है तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोड फीड करने के बाद प्रोसीड पर जाएंगे। इसके बाद आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का बटन दबाएंगे, और यदि यह सब कुछ ठीक है तो आई एग्री करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपके सामने फॉर्म 26Q भी आ जाएगा। इसके बाद आप इसका एक प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद बैंक की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद इस तरह का चालान आ जाएगा। यह पेमेंट करने के 3 से 4 दिन के बाद आपने tdscpc.gov.in वेबसाइट पे जाना है, और आपने ऐसे टैक्स पेयर लॉगिन करना है। यदि आपकी इस वेबसाइट पे आईडी नहीं बनी हुई तो पहले आपने ऐसे टैक्स पेयर अपनी आईडी बनानी है, और उसके बाद लॉगिन करने के बाद फॉर्म 16B डाउनलोड के लिए रिक्वेस्ट देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ से फॉर्म 16B डाउनलोड करना है। दोनों ही वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।